परमेश्वर के वचन में इब्रानियों की लिखी हुई पुस्तक अध्याय 9 के वचन 14वें पद में Hebrews chapter 9 verse 14 if you read in the Holy Bible यहां पर परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार से कहता है तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा ताकि हम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सके। How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है। Here the word of God says. यानी कि ये समर्पण उस परमेश्वर के साथ में जुड़ने के लिए होना चाहिए। Now this sacrifice, this submission, should be to connect with the Lord. यानी कि प्रभु यीशु मसीह का वह लहू। Which means the blood of the Christ. वे परमेश्वर का सक्रिफाइस जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को जो बलिदान करके जो आपके और मेरे लिए वो जो समर्पण किया है। Now Jesus who was crucified on the cross, the sacrifice he did of his life, of his blood for you and me. ताकि आप और हम मिलकर उस महान परमेश्वर के साथ में जुड़ जाएं। That you and us, we all together will connect with the Lord. रोमियो के पुस्तक अध्याय 5 के वचन 8वें पद में कहता है। Romans 5:8 it says. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार से इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब यीशु आपके और मेरे लिए क्रूस पर मरा। But God demonstrates his own love toward us in that while we are still sinners Christ died for us. यानी कि आप और हमने पक्षताप नहीं किया। Which means you and me didn't repent. आपने हमने अंगीकार नहीं किया। You and me didn't accept. आप और हम यानी कि संसार पाप में ही था। Now the world was still in the sins. यीशु उस तमाम गुनाहों को देखते हुए क्रूस पर बलिदान हो जाता है। Now even Jesus seeing all these sins he is crucified on the cross. ताकि आप और हम उस परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर That you and me have the dealing, I mean the submission to the Lord. के साथ एक हो जाएं, and you and me become one with the Lord. यानी कि हमारा समर्पण उस परमेश्वर के साथ में जुड़ जाएं. That our sacrifice, our submission to be one in the Lord. यहाँ पर इसीलिए अध्याय 9 के वचन 14 में कहा तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया. That is why Hebrews 9:14 says, How much more shall the blood of Christ through the eternal Spirit offered himself without spot to God? ये कितनी महान बात है। Look how great thing जिसने अपने आप को चढ़ा दिया आपके और मेरे the लिए। The one who offered himself for you and me. हम उसको कुछ नहीं दे सकते। We cannot give him anything. ना हम इसी योग्य हैं। Nor we are worthy to. ना हमारी कोई ऐसी औकात है कि हम उसको दे पाएंगे। Nor we have such dare to give him something. याद रखिएगा। Remember. प्रभु ने स्वयं आपके और मेरे लिए क्रूस पर अपने आपको समर्पित कर दिया। Now God himself on the cross crucified for you and me. यानी कि उसने अपने जीवन को दे दिया। Which means he offered his life, gave up. वो ये कहता है उसके लहू के द्वारा। Says through his blood. उसके लहू के द्वारा। Through his blood. आप और हम। You and me. हम परमेश्वर के साथ में समर्पण की यात्रा में एक हो जाते हैं। Now you and me become one in the journey of submission, the sacrifice. यहाँ कहता सनातन की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवित परमेश्वर के साथ में उसकी सेवा में जुड़कर आगे बढ़ सको। Who through the eternal spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. मेरे अजीजों, my dear friends, हमारे मरे हुए कामों से, our deadly works, मरे हुए कामों का मतलब, deadful work means संसार की बातें, the worldly things, संसार की चीजें, the worldly things, संसार के व्यवहार, like the worldly conduct, दिखावे की बातें, the showful things, एक की बुराई करना दूसरे के बगल में खड़े हो जाना, just insult someone and stand beside someone, अपने कमाई के लिए कुछ भी बोल जाना, now speaking anything to earn it, अपने फायदे के लिए किसी को भी गिरा देना, now pushing anybody down for your own benefit. The dead words, मरा हुआ स्वभाव, the deadly conduct, मरा हुआ स्वभाव को परमेश्वर जानते हुए भी
वे अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया. Yet he knew everything that yes we have deadly deeds in us, but still he crucified himself for us. ताकि आप और हम उस परमेश्वर के साथ में जुड़ के उसकी महिमा में, उसके सेवा में, उसके कार्यों में सहभागी हो जाएं. That you and me will be connected with the Lord, become one and become the companions, fellow workers in your work. दोस्तों परमेश्वर के वचन में पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 के वचन 16वें पद में पढ़ेंगे हम लोग. First Corinthians chapter 10. यहाँ पर देखिए एक बात कितनी अच्छी पौलुस कहता है. Look how beautiful thing Paul says. परंतु जो कुछ भी है, यहाँ कहता है अध्याय 10 के वचन 16वें पद के अंदर. First Corinthians 10:16. पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन में. धन्यवाद. वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वे मसीह की देह की सहभागिता नहीं? The cup of blessings which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? जितने लोग बपतिस्मा लेते हैं, those who all get baptized, जो लोग उद्धार को प्राप्त करते, those who get the salvation, जो कलीसियाओं में जाते हैं, those who go to church, या महीने में एक बार, हफ्ते में एक दिन, या तो हर दिन बार. Now, once in a week or once in a month. बहुत सी कलीसियाओं में अलग अलग रीत है. Now, in every church, they have different customs. कुछ लोग महीने में देते हैं. They give the Holy Communion. कुछ लोग हफ्ते में देते हैं. In once a week. कुछ लोग रोज ही देते हैं. And some people give it daily. वो उनकी अपनी इच्छा है. Well, it is their own will. मेरे अजीजों, my dear friends, यहाँ कहता है, here it says, हम उसके लहू यानी कि वो कटोरे में से जिस दाखरस को, जिस अंगूर के रस को हम प्रार्थना के जरिए समर्पण के साथ में जब हम पीते हैं. Now the cup in which the juice of the grape, I mean which we pray as it is the blood of Christ which we drink it when we have it. तो हम मसीह के लहू में एक हो जाते हैं. Then we become one in the blood of Christ. और उस रोटी को खाने के जरिए. And when we break that bread. उसके शरीर को तोड़ने के जरिए. Now breaking his body. उसके शरीर को लेने के जरिए. Now eating his body. हम उसमें जुड़ जाते हैं. Now we join in him. 17वें पद में कहता है. 17th verse it says. इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक ही देह है, क्योंकि हम सब में उसी एक रोटी के भागी हो जाते हैं. For we, though many, are one bread and one body, for we all partake of that one bread. मेरे अजीजो, my dear friends, यानी कि हम मसीह के अंगों में जुड़ जाते हैं. We are joined in the parts of Christ. और मसीह के शरीर में हम एक हिस्सा बन जाते हैं. And we become a part in the body of Christ. जब हम मसीह के अंग बन गए, when we are the part of Christ, जब उनके खून के अंदर खून बन गए, when we became his blood in blood, तो अब हम मरे हुए कामों के लिए जिंदा नहीं हैं. Now we are not alive to do the dreadful sins again. जैसे यीशु की जिंदगी थी. Now the life which Jesus had. उसी प्रकार से आपकी और मेरी जिंदगी जिंदा कामों के लिए होना चाहिए. Now your and our life should be for the living deeds. इसलिए तो यहाँ पर कहता है. That's why we're here today. यानी कि तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ा दिया, ताकि तुम्हारा विवेक शुद्ध हो जाए. क्या हो जाए? तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा स्वभाव मसीह में शुद्ध हो जाए, और तुम मसीह के साथ आप दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जाओ. Your conduct, your mind, your thoughts should be one in the spirit of the Lord and keep walking with him day by day in his presence. आपके बीच में, हमारे बीच में, हम सबके बीच में कितने ऐसे लोग नहीं हैं? Now in midst of you, in midst of us, there are many people. वो मसीह तो कहलाते हैं. They are called the Christians. काम मसीह जैसे नहीं करता. But they do not work as Christians. तो इनका समर्पण कौन सा है? So what kind of submission do they have? व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देता है. One who submits himself to Christ. जो अपने आप को परमेश्वर के लिए दे देता है. The one who gives himself to Christ. फिर मसीह को अपने अंदर जिंदा रखता है. Then he keeps Christ alive in him. चाहे स्थिति कैसी क्यों ना हो, परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, मुझे उसके
संग चलना साहब, मुझे पीछे नहीं हटना, क्योंकि मैं समर्पित हूँ उसके प्रति। इसलिए तो पौलुस कहता है, क्या गरीबी, क्या अमीरी, क्या दुख, क्या संकट, क्या मुसीबतें, क्या समुद्र की लहरें हो, क्या जेल हो, क्या मारपीट हो, क्या बदनामियां हो, मेरे समर्पण को, मेरे समर्पण को प्रभु से अलग नहीं कर सकता। प्रभु के प्रेम से मैं दूर नहीं हो सकता। समर्पण का मतलब आपने दे दिया। हमारे भारत में एक व्यक्ति है जिसका नाम बहुत फेमस है। Now there is a person whose name is really famous. जब वो अपने गुरुजी के पास में जाकर विद्या को सीखता है। Now when he goes to his master and learns the knowledge wisdom. और एक समय ऐसे आ जाता है। There comes a time. उसके गुरुजी कहते हैं। His master says. क्या आप अपना अंगूठा काट कर मुझे दे सकते हैं? Can you cut your thumb and give it to me? मेरे अजीजों, my dear friends. समर्पण की बात है। The thing is of sacrificing. चाहता अरे गुरुजी जब अंगूठा ही लेना था तो मुझे विद्या सिखाई क्यों थी तुमने? Now if he wanted he could have said, Master, if you wanted to take my thumb, why did you taught me? He never think about to that. उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। He never think about to that. उसने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। My master asking. मेरे गुरुजी ने पूछा। That's enough. और ये काफी है। I can give. मैं ये दे सकता हूँ। I can give. मैं ये दे सकता हूँ। I can give. मैं दे सकता हूँ। Because my master asking me. क्योंकि मेरे गुरुजी मुझसे मांग रहे हैं। Dear friends. मेरे प्रिय मित्रों। When the God asking to the Abraham, can you give to your son to the sacrifice on the Moriah? उस पहाड़ के ऊपर। When जब यहोवा ने अब्राहम से कहा कि क्या तू अपने बेटे इसहाक को मोरिया पर्वत पर मेरे लिए बलि चढ़ा सकता है? अब्राहम ने बिल्कुल मना नहीं किया। Abraham didn't refuse. Yes, Lord, I'm ready. उसने कहा हाँ यहोवा मैं तैयार हूँ। Yes, I'm ready. मैं अपने बच्चे को दे सकता हूँ। I can give my son. समर्पण का मतलब। Now sacrifice means. अब्राहम कहता। Abraham says. बुढ़ापे के अंदर मेरा कोई और सहायक नहीं है, कोई और मेरा मददगार नहीं है। वह कभी यहोवा पर ये प्रश्न नहीं करता। उसने ये काटने की बात नहीं करी बात। He didn't talk about cutting the word. उसने बोला प्रभु तूने कहा। He said, God, you said. तूने कहा है। Lord, you said. मैं इस काम को करूंगा। And I'm gonna do this. तो हम भी उस महान समर्पण वाले प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते। Now we also become the students, the pupil of the sacrificed Jesus. हमें मरे हुए कामों में नहीं। We not to the deadful sins or works. हमें उस मसीह के साथ में सच्चाई के साथ में समर्पित के साथ जाना चाहिए। We need to go with the sacrificing life to that God. रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 के वचन 19वें पद में एक बात कहता है। Book of Romans chapter 5 verse 19. रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 के वचन 19वें पद में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहर गए। For as by one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience many will be made righteous. एक व्यक्ति ने आज्ञा नहीं मानी। One person didn't obey. पूरी दुनिया पापी बन गई। Entire world became sinners. और एक व्यक्ति। One person. इसलिए आदम को पहला आदम कहते हैं। That is why Adam is named as first Adam. और यीशु को आखिरी आदम कहते हैं। And Jesus is named as the ending Adam. उस आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया। That Adam disobeyed God. उस आदम के जरिए पाप इस दुनिया में आया। Now, so that Adam sin entered the world. और इस आदम के जरिए पवित्रता इस दुनिया में आई। Now after this Adam, there came holiness in the world. उस आदम के जरिए पाप जगत में शुरुआत हुआ। Because of that Adam, this sin started in the world. इस यीशु नाम के आदम के जरिए पापों की क्षमा शुरू हो गई। Now because of this Jesus named Adam, the holiness started in the world. मेरे अजीजों, इसलिए तुम अपने आप को समर्पण करके that is why I say you sacrificing yourself. उस परमेश्वर की सेवा में जुड़ते चले जाओ। You be connected, joining in the service of God. पहली बात, first thing, हमें प्रभु के साथ समर्पित होना है। We need to be sacrificed to God.
परमेश्वर के लिए फॉर गॉड। दूसरी बात में देखते हैं, दूसरी बात के अंदर सेकेंड थिंग, पहला यूहन्ना की पुस्तक फर्स्ट जॉन अध्याय 3 के चैप्टर 3 वचन 16वें पद के अंदर वर्स 16, फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 क्या कहता है यहां पर, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। By this we now love because he laid down his life for us and we also ought to lay down our lives for the brethren। यानी कि हमने यीशु मसीह के समर्पण से एक चीज सीखी है। Which means we learned one thing from the sacrifice of the Jesus। आपके और मेरे लिए उसने अपने प्राण दे दिए। For you and me he gave up his life। जब हमने उसके प्राण देने के जरिए उस मोक्ष को, मुक्ति को, छुटकारे को जब हमने अपने जीवन में प्राप्त किया, when we received his deliverance, his salvation through his sacrifice in our life, तो फिर अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? What is our responsibility now? हम क्या करें? What should we do? अपना काम बनता जमुना में जाए जनता, क्या करें? What should we do? अपना काम निकल गया निकल जाए। Now our work is done, so shall we leave? उस नौ कोड़ियों की तरह घर चले जाए? Shall we return back like those 9 other lepers? No, my dear friends, जैसे कलाम कहता है, the law says, जब यीशु अपने आप को क्रूस पर बलिदान हम लोगों के लिए दे सकता है, when Jesus can crucify himself for you and me on the cross, अब हमारी जिम्मेदारी है, then our responsibility, हम भी भाइयों के लिए, then we also for brethren, हम भी सेवकाई के लिए, for the ministry, जो इस दुनिया में सेवा करते हुए परेशानियों में, दुखों में, संकटों में हैं, now the people, those who are in the world doing the ministry with the affliction and the problem and tribulations, अब हमारी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को बचाएं। Now it is our responsibility that अब हमारी जिम्मेदारी कि उनको छुड़ाएं। Now it is our responsibility that we give them the deliverance। अब हमारी जिम्मेदारी। Now it is our responsibility। हो सके तो, if possible, अपने प्राण को भी तुच्छ जाने। Now deny yourself, your life। क्या करने की जरूरत है? What we need to do? मेरे अजीजों, my dear friends, पवित्र वचन में लिखा है, the holy Bible is written, जब इज़राइल की प्रजा जो मिस्र से, गुलामी से निकलकर इज़राइल यानी कि कनान की ओर जा रहे थे, when the Israelites were coming out of the slavery in Egypt and were moving towards the Canaan, यानी कि जैसे कि वो यरीहो पहाड़ के, यहोरी यरीहो देश के सामने जब पहुंचते हैं, and as they reach in front of Jericho mountain, यरीहो के लोग कहते, Jericho people say, हम तुम्हें जाने नहीं, we'll not let you go, तो यहोशू वहां पर कुछ लोगों को भेदने के लिए भेजता है, now Joshua sends some of the spies over there, उस यरीहो के दीवार के ऊपर, now on the wall of that Jericho, उस यरीहो के दीवार के ऊपर, on the wall of that Jericho, एक स्त्री अपने झोपड़े को बना के रखती है, there is a certain lady made up her hut over there, यानी कि इस प्रकार से लोग कहते हैं, अनुभवशाली लोग, now experienced people say in this way, यरीहो देश की दीवारें इतनी चौड़ी देखी, now the Jericho walls were such wide, and maybe once time, यानी कि एक समय में लगभग 15-20 ट्रक जा सकते हैं, it was such wide in size, we can say that at a time at least 15 or trucks could travel on it, main to gaya nahi hu, I didn't went, kuch log aisa anubhav hai, but well some people have experience, my dear friends, is baat se hum ye bhi jaan sakte hain, now we know this thing, jab koi vyakti deewar par ghar bana kar reh raha hai to hum soch sakte hain, now if somebody has built his house on the walls, we can think how, mere azizo, my dear friends, jaise bhed lene ke liye yariho mein jaate hain, as they go in as spies to get all the information, जब वहाँ के लोगों को पता चल जाता है, when the Jericho people came to know, और वो आकर उस महिला के घर में, now they came in the lady's house, ऐसे कहते हैं, they say, वो एक व्यभिचार करने वाली स्त्री, that she was a woman who used to do adultery, इसलिए वो गांव के बाहर, that is where she, उस दीवार पर अपना घर बना कर रहती थी, she out of the village used to make her house and used to live on the wall, लेकिन वो परमेश्वर को मानती थी, but she used to believe God, और जैसे वो लोग वहां जाते हैं, and as the spies went over there, वो स्त्री उन लोगों को अपने घर में छुपा लेती है, now that lady she hides those two spies in her house, यानी कि, which means, वो मौत को भी नहीं डरती, she doesn't fear the death, मैं मर जाऊं चलेगा, if I'm dead it is okay, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों की रक्षा होनी चाहिए, but my God's people should be saved, मैं पापी नहीं हूँ, yes I am the sinner, मैं अपराधी हूँ, yes I am
मैं गुनेगार हूँ yes, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के लिए वफादार हूँ yes, I am faithful for my God. मैं अपने ईश्वर के लिए वफादार हूँ I am faithful for my creator. मैं मरते मर जाऊंगी I can die if I मेरे लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती I'll never let my people to die. मेरे भाइयों को मरते हुए नहीं देख सकती I'll never let my brothers to die. मेरे लोगों की रक्षा के लिए for the protection of my people. उस परमेश्वर की योजना के लिए for the plannings of the Lord मैं आगे आऊंगी I'll come forward. कोई आगे आए या ना आए if somebody comes or not वो स्त्री That lady, उन लोगों को बचाती है she protects them. मेरे अजीजों, my dear friends, जब उस देश को इस्राएली लोग जीत कर जाते हैं आगे, and as the Israelites have the victory over that country, Jericho, उस महिला को मत मारना, then they say, do not kill that lady. उस महिला की रक्षा करना, you protect that lady. उसने इस्राएल की प्रजा की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, she has sacrificed herself for the protection of Israelites. मेरे दोस्तों, my dear friends, यानी कि, which means, हमें अपने लोगों के लिए for our people जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए for the ministry of the Lord's people प्रभु की महिमा के लिए for the glory of the Lord परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए for the establishment of the kingdom of heaven जो अपने काम अपने बिजनेस अपनी जिंदगी अपने जवानी को त्याग कर वे परमेश्वर के कार्यों में जब बढ़ते हैं when they leave behind deny their youth their riches their sadness and move forward in the work of the Lord वहां पर आपकी और मेरी जिम्मेदारी then there is yours and our responsibility ऐसे लोगों के लिए हम आगे खड़े हो जाएं For such people, we need to stand forward. हम उनके लिए आगे आ जाएं. We got to come forward. आप सेवा करिए. You do the ministry. हम तुम्हारे साथ. We are with you. आप आगे बढ़िए. You move forward. हम तुम्हारे साथ में. We are with you. मेरे दोस्त. My dear friends. जब मूसा. When Moses. प्रार्थना के लिए उस पहाड़ पर चढ़ गया. Climbed the mountain for the prayer. यहोशुआ और कालेब. Joshua and Caleb. उसके साथ में थे. Were with him. जब इस्राएल की प्रजा युद्ध में थी. When the Israelites were in the battle. जब जब मूसा अपने हाथ को आकाश की ओर उठाता and as Moses raises up his hands in this towards the sky तब तक इज़राइल की प्रजा शत्रुओं को हराती and till that the Israelites used to defeat the जैसे उसके हाथ नीचे गिर जाते and as his hands used to become weary and down इज़राइल की प्रजा हार जाती now the Israelites used to defeat themselves because जब दो जवान जब मूसा को इस कार्य को करते हुए देखते and when two young people saw Moses doing this work वो दोनों चले आकर कहते came forward and said Moses aapke haath hame dijiye give your hands to us aap apne haath utha ke rakhiye you raise up your hands aap apne haath ko utha ke rakhiye you raise up your hands hum aapke haathon ka sahara ban jaye we got to be the support aapke haath nahi girne chahiye your hands should not be down humse jo ho sakta for whatever we can humse jo ho sakta i can hum wo kaam karenge we got to do that work mere aziz my dear friends hum haathon ko sambhalne wale ban jaye we need to become the one who protects him na ki सेवकों के हाथों को तोड़ने वाले nor the one who breaks the hands of the pastors अपनी जीभ से with your words अपनी नजरों से with your sight अपने स्वभाव से with your conduct हम सेवकों को गिराने वाले नहीं not pushing down the pastors प्रभु के दास आप सेवा करिए you do the ministry हम आपके साथ में हैं yes we are with you कितने ऐसे विश्वासी आज के दिन में how many believers are there in such कितने ऐसे सेवक सेविकाएं हैं आज के दिन में how many pastors and female pastors are there in these days मेरे दोस्त my dear friends आप प्रभु का कलाम hear the word of god say भाइयों के लिए for the brethren हमें भी अपने प्राण देने चाहिए we also need to give our life for them उसकी सेवकाई के लिए for his ministry जब पौलुस सेवकाई के लिए जाता है when paul goes for the ministry मेरे अजीजों my dear friends अकुला और फिस्किल्ला नाम के दोनों Now Aquilas and Priscilla, both these ladies. Paul उसको जब देखते कि ये परमेश्वर की सेवा करता है. When he they saw that this person does the ministry of God. इसके पास रहने के लिए घर नहीं. He has no place to live. इसके पास खाने के लिए चीजें नहीं. Paul has nothing to eat. लेकिन ये तो प्रभु की सेवा करता है. But he does the ministry of the Lord. मैं भी प्रभु की सेवा. I will also. मैं भी प्रभु की सेवा में हूँ. I am also in the ministry of God. मुझे क्या करना चाहिए? What should I do? इसको भगा देना चाहिए. Shall I drive him out from here? इसको भगाओ यहाँ से. Shall I cast him out from here मेरे दोस्त my dear friends अकुला और प्रिस्किला अकुला और प्रिस्किला उसको अपने घर में लेकर आते हैं they brought
Paul in their house. प्रभु के दास, the servant of God. जीवित परमेश्वर की सेवा करने आए. You do the ministry of the living God. आप हमारे घर में रहिए. You live in our house. आप हमारे साथ में रहिए. You be with us. आप प्रभु की सेवा करिए. You do the ministry of the Lord. हम तुम्हारे साथ. And we are with you. हम तुम्हारे साथ. And we are with you. कितने लोग साथ देने वाले हैं दोस्तों. Look how many are there to support. इस अंत के दिनों में. During these ending days. या मजाक उड़ाने वाले लोग. The insulting people. या सेवकों में कमी ढूंढने वाले लोग. Or the people who point out the pastors. आज अच्छा प्रचार नहीं हुआ. Today no good preacher. I mean preaching. Today he is not preaching well. आज ये अच्छा प्रचार नहीं किया. I think maybe something wrong is there. मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है इनमें. Today preaching is not that kind of anointing, ना? आज का प्रचार अभिषिक्त नहीं था. Yesterday it was good. कल उन्होंने अच्छा प्रचार किया था. Today is not good. आज अच्छे नहीं किया. Coming. They point out. हमारे यहाँ पे बर्फ को तोड़ने के लिए सूवा होता है. Now with us we have a tool to break the ice, a large bird of ice. कई बार वो सूवा भौंकते रहते हैं लोग. They keep pointing out that गीत नहीं ठीक था आज. Now song was not good. आज तुमने वचन लंबा कर दिया. People are like you preach a lot of time आज today. आज तुमने वो कहानी बता दी. You told it that story. आज ये कहानी बता दी. You told it this tale. वो मजबूत करना नहीं चाहते. They do not want to strengthen them. वो चाहते कि बंद कर दे. They want them to stop it. मेरे दोस्त, my dear friends, हम हाथों को मजबूत करने वाले. We need to become the one who supports the hands. हम हाथों को मजबूत करने वाले. The one who strengthens the hands. मूसा, तुम प्रार्थना करो. Moses, you pray. हम तुम्हारे साथ. We are with you. वो स्त्री कहती है. The woman says. वो पाप करने वाली स्त्री जरूर है. She is a woman who does. उसके बारे में ऐसा लिखा है. It is written about her. लेकिन जब इज़राइल की प्रजा को देखती है. When she sees Israel, it's people. भाइयों, तुम मेरे घर में छुप जाओ. Brother, when you hide in my house. मैं भी इस काम में सहायता करना चाहता हूँ. I will also help you. With this work. मैं मर जाऊं. I will die. मैं मर जाऊं. I die. चलेगा. It is okay. तुम अपने मिशन को पूरा करो. You complete your mission. मेरे दोस्तों, my dear friends, हमें एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए. We need to come forward to help each other. मेरे दोस्तों, my dear friends, हमें कामचोर नहीं. We need to become the कामयाब करने वाले लोग बन जाने चाहिए. We need to become successful people. लोगों को कामयाब कर दे. To make people successful. मेरे अजीजों, my dear friends, परमेश्वर का वचन कहता है. The Holy Bible says. यूहन्ना की पुस्तक तीन के वचन 16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा, उसने अपने आप को दे दिया. Now John 3:16 it says, for God so loved the world that he gave his beloved son. Oh, अपने आप को दे दिया. He gave himself. तो हमें भी. Then we also. हमें भी. We also. सब पता है, हमें भी. And we also. उसकी महिमा के लिए दे देना चाहिए. Need to give up for his glory. उसके राज्य के लिए दे देना चाहिए. Kingdom we should give up. उसकी महिमा के लिए दे देना चाहिए. For his glory we should give up. पढ़ेंगे हम परमेश्वर के कलाम. Let us read in the Holy Bible. यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 13 का वचन 34वें पद के अंदर. बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13:34 यहां पर इस प्रकार से कहता है, 34वें पद के अंदर, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. मेरे दोस्तों, my dear friends, यीशु कहता है, Jesus says, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, the way I loved you people, वैसे ही, in the same way, तुम्हारा भी प्रेम होना चाहिए, love should also be, जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, the way I love you people, वैसे ही तुम्हें प्रेम करना चाहिए, in the same way you should love. यीशु का प्रेम कैसा था? How is the love of Jesus? वो तुमसे कुछ पाने का प्रेम नहीं था. It was nothing to receive from you. तुम कुछ दोगे ये नहीं. You will give something in expectation. What will we give to Jesus? सृष्टि करता होकर सृष्टि के लिए, यानी कि आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान. He being the creator was crucified on the cross for you and me, his creation. लेकिन वो चाहता है. But he wants. हम यीशु जैसा प्रेम करें. We love one another like Jesus. हम यीशु जैसा प्रेम करें. We love one another as Jesus. हम एक दूसरे की मदद करने वाला प्रेम करें. To love one another who help each other. अध्याय 15 के वचन 12 में कहता है. 15:12 it says. 12 में कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो. This is my commandment that you love one another as I have loved you.
क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? एक दूसरे से झगड़ो, एक दूसरे से लड़ो, एक दूसरे की निंदा करो, एक दूसरे की कमियों को गिनाओ, एक दूसरे को बदनाम कर दो, एक दूसरे की इज्जत को मिट्टी में मिला दो। Insult them one another. मेरे अजीजो, my dear friends, आप एक दूसरे की मदद करने वाले मसीह बन जाओ। You need to become Christians who help each other. यीशु के पास में कुछ चेले आए और उन्होंने कहा, They came disciples to Jesus. प्रभु यीशु मसीह, Jesus Christ. एक और व्यक्ति भी है जो बपतिस्मा दे रहा है यहाँ पर आकर। There is one more person who is baptizing people over here. हम उसको रोक दे? Shall we stop him? या हम चले जाएं? Or shall we go? आप आ गया तो हम बताएंगे हम कौन हैं? Now at least you command us, and we are going to show our power. यीशु कहता है। Jesus answered. जो हमारे विपरीत में नहीं है वो हमारे साथ ही तो है। If somebody is not against us, then he is with us. उसको अपना काम कर ले। Let him do his work. तुम अपना काम। And you do your work. उसको कर लें दो ना। Let him do it. तुम अपना काम करो। And you do your work. हम अपना नहीं करते। We do not do our work. लेकिन दूसरे में टांग जरूर अड़ाएं। But we just point out others. हम अपना हमसे होगा नहीं। Now our work is not done by ourselves. दूसरे को रोकने का काम जरूर करें। But yes, we do the work to stop one another. Those who work. Alright. आजकल तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। Nowadays it's too much. दोस्तों, my dear friends, उसको करने दो जो कर रहा है। What they're doing. आप क्या कर रहे हैं? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? What are you doing? आप बढ़ाओ प्रभु के कार्यों के लिए। You come forward for the work of God. भाइयों के लिए जान देने वाले बनो। Become the one who give their life for the brethren. यानी कि जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं उनकी क्या जरूरत है? Which means the ministers, the people who do the ministry of God, what they need. आप उसके मददगार बनकर खड़े हो। Their helpful one. इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है। That is why Jesus says. यूहन्ना के पुस्तक अध्याय 15 के वचन 17वें पद में कहता है। John 15:17 it says. इन बातों की आज्ञा दोगे, इन बातों की आज्ञा में तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जिससे दुनिया जान लेगी कि तुम सचमुच मेरे ही चेले हो। These things I command you, that you love one another. Through this, the people will know that you say, yes, you really are my disciples. मेरे दोस्तों, my dear friends, परमेश्वर के कलाम के अंदर, in the holy Bible, प्रभु यीशु मसीह के वचन ये कहता है, the word of Jesus says, पहला यूहन्ना के पुस्तक अध्याय 4 के वचन 9 के अंदर कहता है, epistle of 1 John chapter 4 verse 9 says, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि वो उसके द्वारा जीवन को पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हम भी, सब बताए हमको भी, सब बताए हम भी, और हमको भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। Need to love one another. मेरी बात समझ पा रहे? Are you getting my point? हमें भी we also एक दूसरे से one another प्रेम रखना चाहिए। यदि कोई आपके बगल में चर्च खुश हो जाओ, you'll be happy. प्रभु का धन्यवाद हो, एक तो तैयार हो गया। Thank God for at least one is ready. यदि आपके बगल में कोई गॉस्पल सिंगर ने कोई मिनिस्ट्री शुरू किया, if somebody nearby you has started the gospel singing, say praise the Lord, hallelujah, एक सिंगर को तो आपने भेजा है, say praise God, at least you sent a singer. यदि आपके पास में कोई चर्च का व्यक्ति बाइबल स्टडी को शुरू किया है, if somebody near you has started the Bible study, you say praise the Lord, प्रभु इसे तू आशीषित कर, आप कहें God bless them and praise to be the Lord. लोगों के अपने दर्शन, अपने बातें, अपने भाषण भी चेंज हो जाते हैं। Even the people's speech, their own tail, even they change it. मैं एक बार महाराष्ट्र में था। I was once in Maharashtra in India. वहाँ एक पादरी साहब आए थे। So there came a pastor over there. Actually प्रचार उनको करना था। So actually he needed to preach. तो मैं वहाँ पर था। But I was over there. तो वहाँ के लोगों ने मुझे जबरदस्ती बोला कि आप चलिए जरूर। So the people over there, they forcefully said me to preach over there. और जब मैं वहाँ पर जाकर बैठा हुआ था। So as I was sitting over there, शायद 2008 के साथ की बात है। Maybe it is what happened 2007 or 8. वहाँ हारमोनियम था, मैंने कहा कि साहब मैं बजा के गीत गा लूं। So there was harmonium, the instrument. I said, can I please use this and play in worship?
तो मैंने हारमोनियम लेके एक आध कवाली गा दी. So I took the harmonium and I sang one to the जोश से भर गया. The entire church was filled with the energy. जिस प्रचारक का नाम उस स्टेज पर लिखा हुआ था. The preacher's name which was written on the stage. वो बिचारा पूरा पसीने से तर होने लगा. Now he was sweating a lot. लोग कहने लगे और एक गीत और गाओ. And people started requesting one more song. मैंने बोला जी प्रभु के दास यहाँ पर हैं हम उनसे सुनेंगे. I said the servant of God is over here. We listen to him. और वर्शिप करेंगे. So they said, we'll worship more. आपके वचन आप जो गीत गाते हो मैसेज इतना बढ़िया देते हैं. People said, this song you sing, you give really good message through it. वो बिचारा स्टेज पर बैठा हुआ था. Now the pastor was about to preach, he was sitting on the stage. वो स्टेज से उतरा. He got down from the stage. अपनी गाड़ी में बैठा निकल गए. He sat in his vehicle and went. He left. अब क्या करें बताओ. Now what should we do? कई बार Many times. उसने तो अपना गुस्सा प्रकट कर दिया. Well, he revealed his anger. वो चले गए. He went away. बोला मुझे प्रचार के लिए बुलाकर दूसरे पादरी को तुमने गाने के लिए क्यों दे दिया. So he's like, you called me to preach and you gave chance to other one to sing. मेरे प्रिय दोस्तों, My dear friends, हमें मदद करनी चाहिए लोग. We need to help people. मेरी बात समझ पा रहे हैं. Are you getting my point? हमें मदद करनी चाहिए. We should help. Yes, तुम गा रहे हो तो गाओ. जी, if you're singing, you sing. आप प्रचार करिए. You preach. आप तैयार हो जाइए. You be ready. आप भी कलीसिया को शुरू. You also start the church. आप भी परमेश्वर की महिमा करिए. You also praise God. हम कई बार संसारिक लोगों के सम्मान जलते लड़ते पिटते रहते. Many times we also like worldly people feel jealous. We have fire in between us. We keep fighting. इसी कारण परमेश्वर की सेवकाई नहीं बढ़ पाई. So because of this only the ministry couldn't grow much. एक समय वो भी था. There was a time. गांव के गांव, शहर के शहर परमेश्वर की उपस्थिति में चले आते थे. So the village, the towns and town used to come to the presence of the Lord. आज कारण आप और हम भी है कहीं ना कहीं. Now the reason is somewhere you and me. ये मुर्दे काम हम में से निकल जाने चाहिए. Let these dreadful deeds be out of us. हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए. We need to come forward to help one another. कहता है. Here it says. परमेश्वर का वचन कहता है. The word of the Lord says. तो ऐसे ही हमें भी आपस में प्रेम रखना चाहिए. 12वें पद में कहता है पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा. यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसके प्रेम भी सिद्ध हो जाता है. 1 John chapter 5 verse 12. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us and his love has been perfected in us. प्रभु को हम एक दूसरे से प्रेम रखने में रखते हैं. Now we keep God in loving one another. तीसरी बात में देखेंगे. Third thing we will see. पहला तिमोथियों की पुस्तक अध्याय 2 का वचन 14 और 15वें पद में. First Timothy chapter 2 verse 14 and 15. उससे पहले अध्याय 4 का उसी का 4 का 15वें पद को पढ़ेंगे. So before that we will read First Timothy 4:15. पहला तिमोथियों की पुस्तक अध्याय 4 का वचन 15वें पद में. Epistle to First Timothy 4 verse 5. यहां पर ये कहता है अपनी और अपने उपदेशों की चौकसी कर इन बातों पर स्थिर भी रहे क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा. 4:15. First Timothy chapter 4 verse 15. Meditate on these things. Give yourself entirely to them that your progress may be evident to all. पहली बात हमने सीखा. First thing we learned. परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाना है. Sacrificing yourself for God. दूसरी बात. Second thing. भाइयों के लिए यानी कलीसियाओं के लिए सेवकों के लिए समर्पित रहना है. For the brethren and for the church being sacrificing. तीसरी बात यह है कि. Third thing we learned. हमें सेवा के लिए समर्पित होना है. We need to be sacrificed for the ministry. हमारी बातों के जरिए, हमारे गीतों के जरिए, हमारे स्वभाव के जरिए किसी को ठोकर का कारण ना बने. Let it not be a reason, a stumbling rock. कोई व्यक्ति हमें गलत ना सोचे. Let nobody despise us. जो कुछ आ रहा मुंह में वही नहीं प्रचार करो. Not on a preach, but whatever you're getting in your mouth. वचन के आधार पर आप प्रचार करें. According to the law, the word. प्रार्थना के साथ आप प्रचार करें. With the prayer you preach. परमेश्वर के ध्यान के अनुसार आप प्रचार करें. Towards God, you preach it. अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में सौंपने का मतलब. Now submitting yourself in the presence of the Lord means. उसके वचन को अपने अंदर लेना होता है. A dwelling, I mean, welcoming His word in yourself. उसके वचन को अपने अंदर डालना और ढल जाना होता है. Which means
that you welcoming the dwelling of the word in you in yourself. यहाँ 16वें पद में कहता है. 16th it says. 16वें पद में कहता है. 16th it says. यहाँ कहता अपनी और अपने उपदेशों की चौकसी करना है तुझे. Take heed to yourself and to the doctrine. 15 में कहता है. 15th it says. इनसे बचे इन बातों से सचेत रहे और उनकी ध्यान भी लगाए कर रखना कि ताकि लोग तेरी उन्नति से प्रकट भी होते जाएं. Meditate on these things, give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all. ये 15 और 16 पद जो है Now this 15 and 16 हमें इस बात की ओर जागरूक करता है. Now it bewares us towards a thing. प्रभु की सेवकाई के लिए For the ministry of परमेश्वर God, की सेवा के लिए For the service of परमेश्वर God, की बातों के लिए For the words of the परमेश्वर Christ, के कार्यों के लिए For the works जब हम आगे बढ़ते हैं When we come forward, उस वचन के अनुसार हमारी जिंदगी होनी चाहिए. According to the word, our life should be. कई बार लोग ऐसा नहीं कर पाते. Many times people cannot do this. मेरे दोस्तों, my dear friends, प्रभु के वचन में आपको अध्ययन करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है. Move forward, meditating on the word. यानी कि भलाई के कामों की ओर, good deeds, सेवा के कार्यों की ओर, towards the works of the ministry. यानी कि, which means, प्रभु के लिए समर्पित, sacrificed for the Lord. भाइयों के लिए समर्पित, being sacrificed for the brethren. तीसरी बात, third thing, उसकी सेवकाई के लिए, for his ministry. सेवा केवल प्रचार ही नहीं होता है. Ministry is not only preaching. आप केवल बाइबल प्रचार करो सेवा है वो ही नहीं है. Now that you preach Bible, it is not only the ministry. मदद करना, helping is also. सहायता करना, supporting. दूसरे के लिए खड़े होना, standing for each other. दूसरे की मदद करना, helping each other. यदि मेरा भाई है, मेरा सेवक यदि किसी चीज की जरूरत है, यदि मैं इस काबिल हूँ तो मुझे उसके लिए आगे आना चाहिए. If my brother and my anyone is in need of this, and if I'm able to, I should go. यदि कलीसिया में किसी चीज की जरूरत है उसके लिए आगे आना चाहिए. And if something is needed in the fellowship in the church, then you need to come forward if you're able. मैं पहले भी कह चुका हूँ. I used to say this first also. Paul Engichu साहब ने जब चर्च बनाने का निर्णय किया. When Paul Engichu decided to make the church, build the church. क्योंकि बहुत भीड़ उनके पास आया करती थी. For they came a lot of crowd to him. वो अपनी कलीसिया में बोले कि आइए हम एक भवन बनाएंगे. So he said in his fellowship that come let us all make a temple. क्या तुम में से कुछ मदद कर सकते हैं? So can anybody of you help? सुन रहे थे. People were listening. ऐसा देना पड़ेगा. We need to give money. मदद करना पड़ेगा. We need to help. चर्च बनवाना पड़ेगा. We need to make the church. चलने दो ना ऐसे. Okay, keep it. We'll pray ऐसे in open air. ऐसे ही चलने दो. We'll pray in open. ठीक है. It's okay. लोग अपना घर बनाते. People build their house. प्रभु के दास का या परमेश्वर का घर बनाने के लिए राजी नहीं होते. They're not agreed to make the. अपनी गाड़ी खरीदने के लिए तो बैंक में लोन उठा लें. Now they can make the loan for their vehicle in the bank. प्रभु की सेवकाई के लिए कुछ करने के लिए लोन की तरफ नहीं जाएंगे. But they will not go towards the loan to do the ministry of the Lord. अपने कपड़े पहनने हैं. They need to wear their clothes. लोग लड़ पिट कर लेकर चले आएंगे. Now they will fight and they will bargain. They'll get the dress. कभी सेवकों की कुछ मदद करनी हो. And when they need to help the pastors anytime. पुराने कपड़े ढूंढेंगे जो खुद को नहीं आते हैं या गलती से खरीद कर लाए हैं. Now they will search for the dresses which are really doesn't fit them or the if they buy something in mistakenly or accidentally. My dear friends, याद रखिएगा. Remember one thing. प्रभु की सेवकाई के लिए वफादार बनना है. Need to become faithful for the ministry of the Lord. समर्पण हम सीख रहे हैं. We are learning about the submission. केवल आपको प्रचार के लिए नहीं. Not only for preaching. और प्रचारकों को भी चाहिए. And now the preachers also need. सेवकों को भी चाहिए. The pastors also need. यदि आप इस योग्य हैं. If you are able to. आप दूसरे की भी मदद Can you help others also? यदि आपके पास इतना है, if you have such, अपने साथी सेवकों पर भी आपको दया करनी है. Then you need to be kind to your fellow workers. आप उनके सेवा में मदद करना. You help them in their ministry. हम बढ़िए आगे. You move forward. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. And we will pray for you. आप नॉर्थ इंडिया में सेवा करिए. You do the ministry in North हम India. हम आपके चर्च के रेंट के लिए आएंगे. And we will come forward for your church rent. आपके भोजन के लिए मदद करेंगे. We'll help you in your food items. लोग दूर से आशीष देने वाले बहुत. People are many to bless you from far away. Online, God bless you, God with you, God great, God bless you, my brother, you're doing great work. Thank you, amen. Now in the online screen, they are like, God bless you, thank you, God bless you, God is with you. They're amen, they're all like this. आप प्रार्थना करिए. You pray.
प्रयत्न के साथ with the trying मुझे भी प्रार्थना करना है I also need to pray प्रयत्न के साथ with the practice with जो मुझसे हो सकता है whatever I can मैं मुझे करना चाहिए I should do that सेवकाई के लिए for the ministry चाहे वो मेरी सेवा हो maybe my ministry दूसरे की सेवा or maybe others बढ़ा तो परमेश्वर की महिमा के लिए है we are growing them for the glory of the Lord मेरे दोस्तों my dear friends यहाँ प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के वचन के अंदर मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 के वचन 16 में कहता है Book of Matthew, chapter 5, verse 16, लोग जब तुम्हारे भले कामों को देखेंगे तब वो तुम्हारे परमेश्वर की महिमा को करेंगे When people will see your good deeds, they will praise your God in heaven. मेरे अजीजों परमेश्वर के कलाम में भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 119 के वचन 99 के अंदर देखेंगे Book of Psalms, chapter 119, verse 99 मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चेतावनियों पर लगा है I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. यानी कि ये कहने की कोशिश करता है. Which means David is trying to. मुझे मालूम है. मैं अज्ञान नहीं हूँ. I'm not unwise about this. मैं अज्ञान नहीं हूँ साहब. I'm not ignorant for this. मैं सेवा को समझता हूँ. I understand the ministry. सेवकों की जरूरतों को समझता हूँ. I understand the needs of the pastor. सेवक केवल हवा खा के नहीं जीता. Now the ministry is not only by eating. उसके लिए मैं खड़ा रहता हूँ. परमेश्वर क्या वचन कहता है? The word of God says, हमें सेवा के लिए भी समर्पित होना जरूरी है. We need to be sacrificed for the ministry. सेवकाई के लिए समर्पित होना जरूरी है. We need to be sacrificed for the ministry also. पहला तिमोथी की पुस्तक अध्याय 2 के वचन 14 और 15 में कहता है. First Timothy chapter 2 verse 14 and 15 says, इस प्रकार से इसमें लिखता है कि मैं तेरे पास जल्दी आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है कैसे बर्ताव करना चाहिए फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 14 एंड 15 These things I write to you, though I hope to come to you shortly. But if I am delayed, I write so that you know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. परमेश्वर के कलीसिया की रक्षा और उनकी सुरक्षा उनके लिए प्रार्थना करना हर वो जरूरत जो आपसे हो सकती है उसे पूरी करने में आपको समर्पित रहना है Praying for the church, for the fellowship, for their needs, you need to be sacrificed for this. मेरे अजीजो, my dear friends, हम केवल बातों के सेवक ना बने. We should not be the servants only of words. हमें कार्यों के भी सेवक बनना. Need to be servants of work as well. हम केवल बातों से प्रभु की महिमा है ये ना कहें. Let us not say only with the words that there is the glory of God. दोस्तों. हम कर्म के जरिए भी विश्वासी बने There is all become believers through work. हम कर्मों के जरिए भी सेवक बने Also with the work, let us all become the servants of God. पहली बात हमने सुना First thing we learned, परमेश्वर के वचन में the Holy Bible, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 के वचन 14 के अनुसार परमेश्वर के प्रति हमें वफादार बनना चाहिए According to Hebrews 9:14, we gotta be faithful towards the Lord. दूसरी बात Second thing, पहला यूहन्ना अध्याय 3 के वचन 16 के अनुसार सेवकों के लिए हमें समर्पित रहना चाहिए According to 1 John 3:16 we got to be sacrificed for the servants of God और यदि हम तीसरी बात में कहा जाए तो पहला तिमोथी की पुस्तक अध्याय 4 के वचन 15 और 16 के अनुसार परमेश्वर की जीवित कलीसिया के लिए और उसके सेवा के प्रति हर दम हर समय हमें समर्पित रहना चाहिए According to 1 Timothy chapter 3 verse 14 and 15 we should be sacrificed submitted every time for the work of the Lord for the heaven इन सारी बातों से परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को आशीषित करे God bless you and your families with all these words. आप सभी को जय मसीह की Praise the Lord everyone. आइए अपनी आंखों को बंद करें हम प्रार्थना करें Come, let us all close our eyes. सर्वशक्तिमान परमेश्वर Almighty God, जो बातें हमने सीखी Whatever we learned, पिताजी उन्हें हम सीख सके Father God, let us all अपने learn जीवन it. में दूसरों को सिखा सके Help us to teach this to others हम केवल बातों के मसीह नहीं We not only the words
words of Christians, बातों के सेवक नहीं, not only the words of ministers, कर्म के भी विश्वासी बने, but also to become the believers of कर्मों के भी हम लोग सेवक बने. Let us all become the servants of. धन्यवाद हो प्रभु. Thank you, Father. आपने प्रार्थना सुनी. For you heard our prayers. यह वचन हजारों करोड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए. Let it be the blessings for thousands and crores of people. यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस दुआ को मांगते हैं. Name of Jesus, we ask this prayer. आमीन. आमीन. आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे. सभी को जय मसीह की.